नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बीते दिनों संग्रामपुर में एयरफोर्स सैनिक की हुई हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। वहां वे परिजनों को सांत्वना दे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी, पप्पू यादव उनके साथ हैं। वहां से लौटने के बाद मोतिहारी के निजी सभागार में हुई उनसे मुलाकात के दौरान कुछ बातें, जिस दौरान उनके सवालों के घेरे में नीतीश सरकार और प्रशासन, खासकर शराब और माफियाओं को लेकर थे। साथ ही उन्होंने चंपारण वासियों के आत्मा को झकझोरने वाली बातें भी कहीं। उन्होंने कहा, शर्म आती है मुझे मोतिहारी आने में, एक भी लोग यहाँ के सही नहीं है, यहाँ के लोगों को सोसाइटी के लिए सोचना होगा, जब भी आता हूँ केवल लाश उठाने आता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने शराब और माफियाओं पर भी कई सवाल किए, जिनका इशारा प्रशासन के तरफ था। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा। को तैयार नहीं है, जमीन माफियाओं के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, बोलेगा तो गोली मार देगा, मरवा देगा, फंसवा देगा, थाना केस में इन्वॉल्व कर देगा, तो थाने का अलग डर, अपराधी का अलग डर, माफियाओं का अलग डर, क्यों हम लड़े? शराब 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 शराब, पूरी पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, आम आदमी की सुरक्षा। आपने पुलिस को लगा दिया, आप एमबीआई के कामों में पुलिस को लगा दिया, ट्रक चेकिंग में, डीटीओ के काम में पुलिस को लगा दिया आपने, ट्रैफिक पुलिस में पुलिस को लगा दिया, बालू माफियाओं से पैसा वसूलने में पुलिस को लगा दिया, एक्साइज के डिपार्टमेंट में, फिर एक्साइज का क्या जिम्मेदारी, फिर अन्य चीजों की क्या जिम्मेदारी? हर काम पुलिस, तो फिर कॉमन आदमी की सुरक्षा कौन कौन बचाएगा? मिडिल क्लास और कॉमन आदमी को इन माफियाओं से। समाज सबसे बड़ा दोषी है कि समाज ही ऐसे लोगों को तवज्जो देती है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में, 50 लाख में, 10 करोड़ में, 20 करोड़ में ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बनेंगे और माफिया लोग ही बनेंगे, शराब माफिया, बालू माफिया ही बनेंगे। जाति के माफियाओं को आप तवज्जो दीजिएगा तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, सैनिक तो मरेंगे। यही समाज सुधारने तो निकले हैं भैया। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके यहां 10 बार मुख्यमंत्री, सब मुख्यमंत्री आए और इस चीनी मिल के बारे में चर्चा किया, क्या हुआ? बिना आर्थिक आजादी और एजुकेशनल आजादी के, फ्रीडम के, हेल्थ के, फ्रीडम के समाज सुधार होगी? राजा राम मोहन राय के युग में हम नहीं हैं, आज भौतिक युग है, अर्थ युग है, रोजगार का युग है, हमको पीस चाहिए और पीस सोसाइटी में है ही नहीं। हम मोतिहारी जब आते हैं तो मर्डर लाशें उठाने आते हैं, लाश में ही आते हैं। मेरी नियति बन गई है, मोतिहारी आओ, किसी न किसी के लाश को उठाओ। संग्रामपुर के थाने अध्यक्ष पर भी आरोप लगे हैं कि शराब माफियाओं से उनका सांठगांठ है। सर, मैंने डीआईजी से कह दिया है, एसपी से कह दिया है कि वहां के थाना प्रभारी बिल्कुल चोर में, आज भी दारू चलता है, 6 आदमी मारने में थे, एसपीडी ट्रायल की मैंने मांग की है, लिखेंगे, और चुनाव होता तो सैनिक सैनिक हाय तोबा होता, राष्ट्रभक्ति की दुहाई दी जाती, 20 लाख 40 लाख रुपया केंद्र भेजता, 20 लाख तो ये कहता 30 लाख, और आज यदि चुनाव नहीं है तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, कौन सैनिक आए, कौन मरे, कौन गए, कोई जस्टिस नहीं। पूरी संघर्ष यहां होती है, इतना मर्डर होता है, तो सोसाइटी सबसे बड़ा दोषी है, ऐसे लोगों को तवज्जो देती है, ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट देती है। सूट एंड साइट करने की जरूरत है, युद्ध की जरूरत है, युद्ध की, और ये नीतीश कुमार जी को कुछ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं नीतीश जी से कि गांधी सिर्फ बिहार में नहीं है ना, गुजरात में ही है, गुजरात मॉडल का शराब तरीका खोल दीजिए,
अब पूरे देश में गांधी है तो शराब तो सब जगह चलता है, फैक्ट्री सब जगह है, और उसके बावजूद भी आप जीत पर हैं। तो पहले रोल मॉडल तो बनाइए अपने नेताओं को, जो व्यभिचारी भी है, चरित्रहीन भी है, शराबी भी है, लुटेरा भी है, बेईमान भी है। 16 सालों में आप एक नेताओं को रोल मॉडल नहीं बना पाए, एक नेताओं का रोल कैरेक्टर पैदा नहीं कर पाए। यहाँ मीडिया में भी खबर आई कि जमीन विवाद, शुरुआती खबर थी कि जमीन विवाद में जान गई। भैया मेरे कोई जमीन विवाद नहीं थी वहां, ना है ना है, ना कोर्ट में ना कभी थाना में केस हुआ, तो फिर जमीन विवाद कैसा? ना 144 है, ना DCLR के कोर्ट में है, ना CO के कोर्ट में है। मोतिहारी आने का मन नहीं करता, अब इसको लिख लीजिएगा, एक भी आदमी यहां कैरेक्टर वाला नहीं, सब के सब गंदा। मर्डर ना हो तो कभी ना है, एक भी नॉन पॉलिटिकल प्राणी रहता है इस इलाके में। कभी आते थे कास्ट कैश क्राइम, एक बार भी लड़ने की हिम्मत और कुव्वत नहीं। पप्पू यादव का मतलब है जस्टिस, रिजल्ट। पप्पू यादव का मतलब है न्याय, इकोनॉमिकल न्याय। कोई किसी के बाप की औकात नहीं, 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा। और आप देखिएगा, उप मुखिया को मार दिया, बोला के गोली, ओरासन में बोला गिरफ्तारी होगी, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक गरीब आदमी को मार दिया,